नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। मेरठ में जैसे ही गंगा सागर में शहीद हुए अभिनव चौधरी का तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर पहुंचा तो परिजन दहाड़ मारकर रोने लगे। वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम थी। सभी यही कह रहे थे कि हे भगवान, तुमने परिवार को पहाड़ जैसा दुख दे दिया। माँ, बहन और पिता पार्थिव शरीर को देखकर बेसुध हो गए। पिता सत्येंद्र चौधरी ने अभिनव को स्कूली शिक्षा राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून के समय मिली टी शर्ट पहनकर सलामी दी। उन्होंने अभिनव के पार्थिव शरीर पर सिर रख दिया और यादों में खो गए। सेना और एयरफोर्स अधिकारियों ने मात्र 30 मिनट में परिवार को अंतिम दर्शन कराकर पार्थिव शरीर को विशेष वाहन में रख दिया। पार्थिव शरीर को एयरफोर्स के अधिकारी हिंडन एयरफोर्स स्टेशन से गंगानगर ले आए। पत्नी सोनिका को अधिकारी अलग गाड़ी में ले आए थे। जैसे ही पार्थिव शरीर घर की चौखट पर पहुंचा, ताऊ और ताई की हालत खराब हो गई। बागपत लेकर जाने के लिए जैसे ही सेना और एयरफोर्स के अधिकारी तैयार हुए तो पिता ने कहा, मैं अपने बेटे के साथ ही जाऊंगा। गाड़ी में बैठकर वह बार बार अभिनव के पार्थिव शरीर को देखकर यही कह रहे थे, अब मुझे कौन फोन कर पूछेगा पापा आप कैसे हो। सभी महिलाओं के मुख से एक ही शब्द निकल रहा था कि बेटा कोई निशानी तो छोड़ देता। अपनी मम्मी और पापा को जिंदगी भर का दुख दे गया, ये कैसे रहेंगे और बहन अब किसका इंतजार करेगी। अभिनव और सोनिका को शादी के बंधन में बंधे 17 महीने हुए हैं। उनके अभी कोई संतान नहीं थी। इसी को लेकर महिलाओं में बातचीत होती रही। गंगा सागर स्थित अभिनव के आवास पर सुबह 7 बजे ही कॉलोनी और आसपास की भीड़ जुटने लगी। जैसे ही पार्थिव शरीर पहुंचा तो सैकड़ों की भीड़ एकत्र हो गई। जगह जगह शहीद को सलामी दी गई। 9:42 पर विशेष वाहन बागपत रवाना हो गया। स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी ने आबादी पर विमान गिरने से बचाने के लिए शहादत दी। वह विमान को गांव से काफी दूर ले गए जिससे किसी को खतरा ना हो सके। इसके लिए उन्होंने अपनी जान की परवाह भी नहीं की। इस कोशिश में वह विमान से पैराशूट लेकर बाहर निकले। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब उनके जाने के बाद उनकी यादें और बहादुरी के किस्से लोगों की जुबान पर हैं। अभिनव की पत्नी सोनिका के रिश्ते के चाचा रालोद नेता कुलदीप उज्जवल हैं। उन्होंने बताया कि अभिनव जितने होरहार थे उतने ही जाबाज भी थे। अपनी शादी में लाखों का दहेज ठुकरा कर सिर्फ 1 रुपये स्वीकार कर शानदार मिसाल कायम की थी। उन्हें सैन्य अधिकारियों ने बताया कि बहादुरगी में भी उनका जवाब नहीं था। जिस समय अभिनव को विमान के इंजन में गड़बड़ी का पता चला, वहां काफी आबादी थी। अभिनव चाहते तो पैराशूट के सहारे निकल सकते थे, परंतु उन्होंने जान की परवाह नहीं की। वह विमान को आबादी से दूर ले गए। इसके बाद उसने विमान से निकलने का प्रयास किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपनी शहादत देकर अभिनव ने कई जिंदगियां बचाई। उनके जाने का दर्द कभी भुला नहीं पाएगा, लेकिन वे परिवार के दिलों में हमेशा रहेंगे। आप देख रहे हैं मेरठ ब्यूरो की रिपोर्ट।